दरिया के ऊपर से गल हो गई तुझे मार जा एक और स्टे करने रुके हैं हम यहाँ पे कश्मीर आबशार है। तो कश्मीर आबशार का तरीक़ेकार है जी, यहाँ पे ये चेयर लिफ्ट कुछ चलती है जो कि आपको दरिया के ऊपर से कश्मीर आबशार की तरफ ले के जाएगी। तो हम भी उस तरफ जा रहे हैं। ये है जी लिफ्ट और ये जाएगी यहाँ से वो सामने पास और ये नीचे दरिया है। चलो जी कश्मीर आ जा। मैं बैठी ये कश्मीर आबशार जो है वो शुरू हो गई है। व्यू देखें गए हम। इसके जरिए ये घुमाते हैं तो इधर आ जाती है और छोड़ देते हैं तो ये वापस चली जाती है। ये पूरा इसका सेटअप बना हुआ है। तो ये वाली कौन सी है? ये तो बहुत तेजी से ले आया। हेलो हाशिम, हाय, हेलो गाइस। हम जा रहे हैं इस तरफ, ये जो आबशार है देखते हैं ये कितनी ऊपर से आ रही है और ये कैसी है, आपको भी चेक करवाते हैं। बर्गर भी अवेलेबल है और बारबेक्यू भी अवेलेबल है। और ये है आबशार जो कि ऊपर से नीचे आ रही है और इसके पास आते आते ही ठंडी हवाएं हमें मिल रही हैं। वाव यार, वहाँ से जा ये है जी कश्मीर आबशार जिसका मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है जी। अगर आपको नज़र आ रहा है तो लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ कपड़े पहनकर नहाने की इजाज़त है, कपड़ों के बगैर आप कभी गुजार के नहीं नहा सकते। तो इसका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। पानी की रफ्तार और इधर ठंडी हवा चल रही है, बाहर धूप है लेकिन इस जगह पर जो है वो टेम्परेचर नीचे और ठंडी हवा चल रही है। तो ये वहाँ से वापस लाने के लिए इसको इस पर ये किस तरफ घुमाते हैं तो वहाँ से जो लिफ्ट है वो वापस आ जाती है और फिर वापसी इधर से उधर।
चलो साकिब, पूरे 500 रुपए पर हेड लिया उसने। अब आप क्या गुफरान साहब कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे यार, मजा करेंगे जाके। और हाशिम साहब डर लग रहा है थोड़ा। शहबाज साहब सही फन करेंगे इंशाल्लाह, और मैं भी फन करूंगा, जो करूंगा आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अगर डूब गए तो समझ लो आखिरी मिलो। ऊपर आ जाए, वो बुला रहे हैं आपको वापस। तो ये सारे बशिंदे रेडी खड़े हैं, इन लोगों ने जाना है पानी में। चलो बशिंदो 1 2 3 करके नीचे उतरो, और ध्यान से उतरना यार, इधर यो करते जाओ। और ये पानी काफी ज्यादा गहरा है, तो हम जाके देखते हैं कि आपको इधर से लग भी रहा होगा कि ये कितना गहरा है। तो ये हमारी बोट करी है जिसमें हमने राइड करनी है, 500 रुपये पर हेड है। और लेकिन हम 6 लोग थे, हम लोगों ने 2000 रुपये में इनको मना लिया है। चलो चलो यार, ये इस तरह आगे आई है। चलो ये गया है जी चौथा। जो यो करो साकिब दोबारा से एक बार। चलो शहबाज साहब जाओ ना। हाँ नहीं चला जा, कुछ नहीं होता। चल चल गिरने लगा था। तो ये भाई साहब इधर खाना खा रहे हैं, तो अभी आए हैं, उन्होंने हमें इजाज़त दे दी है कि आप जाके बैठ जाओ, और हम सब आके बैठ गए हैं। तो ये मैं अभी बोट में ही खड़ा हूँ, ये बोट हिल रही है और मुझे डर लग रहा है क्योंकि पानी बहुत गहरा है। ऐसे करते हैं। चलो पीछे करने के जाए। चलो क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? हमारे पास तो ये बोर्ड हमारी रेडी हो गई है, और ये इन्होंने निकाल दिया है कि भागो। आ रहे हो सब, जो करना कर लो। शहबाज साहब कुछ जी जी हेलो हेलो करो, आप भी करो यार। चल पड़े ये Woo!
आजी माय गॉड बेटा बहुत ही बात है सारा स्टार नो सैल्यूट पहले पहले पीछे से बिठा है कि हां आओ जी ओ फेर हो बाहर निकल गया मेरी कार करना है विश्वास साहब आ गए डरे हुए और ये पीछे आ गए आशिम साहब आपको क्या हुआ था मेरा दिल धक धक हो रहा है साकेत यो बहुत मजा आया और मुझे डर लग गया था बस पैसे दो किधर जा रहे हो लो साकेत लो शबाज ना कोई हेलो ना हाय मैं जी तो इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये शीशा मोड़ जगह कहलाती है और अगर आप इधर आएँ और देखें तो यहाँ से नीचे मुजफ्फराबाद की सिटी सारी नज़र आती है तो ये सब मुजफ्फराबाद है ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ तो कितनी आबादी है यहाँ पे ऊपर इधर तो ये एक बालाकोट की तरफ जाते हुए ये आपको पॉइंट मिलता है जो कि शीशा मोड़ है तो आप यहाँ पे अगर आते हैं तो ये ज़रूर देख के जाइए काफ़ी अच्छा पॉइंट है व्यू बहुत अच्छे हैं यहाँ के ये सारा ओल्ड मुजफ्फराबाद है हमारे सामने तो फाइनली बालाकोट में हमें जो होटल मिला है वो ये होटल मिला है इस होटल का नाम तो मैंने अभी पढ़ा नहीं बहरहाल ये मेरे पीछे होटल है काफ़ी अच्छा होटल है और इसका रेंट भी जो है वो दो नाइट का बहुत मुनासिब इन्होंने लिया है कुछ ज़्यादा नहीं लिए गर्म पानी की सर्विस भी मौजूद है मेन बालाकोट पर ही ये अवेलेबल है तो आज का जो व्लॉग है वो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़